हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 10th के साइंस स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का चैप्टर 2 चल रहा था, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और विक्षेपण। प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन बताने से पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे प्रिज्म की आकृति को। प्रिज्म जो होता है हमारा कांच का बना होता है। यहाँ पर आपको मैंने ए बी सी डी, एक आपको पृष्ठ ये दिख रहा है, ये समतल पृष्ठ होता है। दूसरा समतल पृष्ठ आपको दिख रहा है सी बी एफ ई, जो कि दो अलग अलग कलर से हमने बनाए हैं। ये दोनों कलरों को देखिए तो एक दूसरे पर इस तरीके से जैसे झोपड़ी के नुमा झुके हुए हैं। जिस एंगल पे झुकते हैं वो हमारा प्रिज्म कोण कहलाता है। एक त्रिभुजाकार पृष्ठ आपको दिख रहा है डी सी ई और दूसरा त्रिभुजाकार पृष्ठ दिख रहा है ए बी एफ। तो इस तरीके की जो बनकर आकृति आती है वही हमारी कहलाती है प्रिज्म। तो कहने का मतलब है कि प्रिज्म क्या है, कोई भी ऐसा सम्मांग, सम्मांग से मतलब है ऐसी आकृति जिसके सभी अंग बराबर हों। तो किसी सम्मांग एवं पारदर्शी माध्यम का वो भाग जो किसी कोण पर झुका हो, ठीक है, सम्मांग हो और कैसा हो, पारदर्शी माध्यम हो जो किसी कोण पर झुका हो और झुके हुए कितने समतल पृष्ठ हो, दो, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है तो वो क्या कहलाता है, प्रिज्म। सम्मांग और पारदर्शी माध्यम का वो भाग जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा हो, प्रिज्म कहलाता है। तो इस तरीके से एक आकृति हमने आपके सामने ये दिखाई। अब इसी को हमने थोड़ा सा शेडेड पार्ट ले लिया, ये पूरी प्रिज्म की आकृति बन के आ गई जो 3D फॉर्म में है, जिससे कि आप क्लियर समझ लो। देखिए, दो समतल पृष्ठ कहे थे आपको, यहाँ पर पूरा समझ लग रहा होगा, ये पूरा एक समतल पृष्ठ है, ठीक। दूसरा समतल पृष्ठ आपको ये शेडेड पार्ट वाला दिख रहा होगा, ठीक, और दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते, एक आपको ये आगे वाला दिख रहा है और दूसरा ये पीछे वाला दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं और तीन आयताकार, देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं और ये पृष्ठ सभी एक दूसरे पर झुके होते हैं और जिन दो पृष्ठों में प्रकाश का अपवर्तन होता, देखिए समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ है और इसी समतल पृष्ठ पर प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो जिस इस पृष्ठ को कहा जाएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि अपवर्तक पृष्ठ। तो ये अपवर्तक पृष्ठ है आपका, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है और दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण आपका बनता है उसे अपवर्तक कोण कहते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसी को प्रिज्म का कोण भी कहा जाता है। तो आप प्रिज्म कोण बोलें या अपवर्तक कोण बोलें, बात एक ही है। और ये वाली जो एज होती है जहाँ पर दो समतल पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं, जो ये किनारा होता है, इसे कहते हैं अपवर्तक किरण, या सॉरी अपवर्तक कोर, कोर यानी एज मतलब क्या हो गया, कोर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग कोर कहला, एज कहलाती है जिसे अपवर्तक कोर कहते हैं। तो इस तरीके की पूरी बनी आकृति आपकी क्या कहलाएगी, प्रिज्म कहलाएगी। ये पारदर्शी होती है और ये कैसी होती है, सम्मांग भी होता है, यानी इसके सभी अंग आपके कैसे होंगे, बराबर, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको प्रिज्म की आकृति पूरे अच्छे से समझ में लग गई होगी। देखेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है। जैसा कि आपने देखा कि उसका त्रिभुजाकार जो भाग होता है, इस पे किस तरीके से आपकी किरण जाती है और क्या क्रिया विधि होती है, एक एक चीज हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जो पूरा देख रहे हैं, पी क्यू आर एक त्रिभुजाकार क्या है, परिच्छेद है जो कि एयर में रखा हुआ है और आपका क्यू पी आर ये जो कोण बन रहा है, क्योंकि यहीं से हमारे क्या होते हैं, अपवर्तक पृष्ठ झुके होते हैं, तो ये प्रिज्म कोण कहलाता है, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ लग रही होगी। अब हम लोग अपवर्तन इसमें कैसे होता है, देखिए ये है हवा में रखा हुआ है प्रिज्म आपका, ठीक है। अब हवा में प्रिज्म रखा है, अब ये चलने वाली जो प्रकाश की किरण है ए बी,
ये पूरा प्रिज्म हमारा हवा में। अब एवी जो प्रकाश की किरण चली और क्या हुआ, अपवर्तक पृष्ठ पर हमारी आपतित हुई बिंदु बी पर, ठीक है। देखिए एवी प्रकाश की किरण चलती है, जब चलती है किसी तल पर तो क्या होगा, ये हमारी अपवर्तन जो पृष्ठ है हमारा पी क्यू, इस पर बी बिंदु पर हमारी क्या होगी, आपतित होगी। अब ये हमने यहाँ अभिलंब बना रखा है एन एन डैश, ये दिस इज द अभिलंब। इस अभिलंब से क्या होगा, जब अपवर्तित होकर के, देखिए हवा से किस में जा रही है, कांच में प्रवेश कर रही है, यानी कि कौन से माध्यम से, देखिए अपवर्तन का नियम लगेगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश की किरण ए बी है जो कि हवा में है आपकी आपतित हुई बिंदु बी पर, और अपवर्तन के पश्चात बी सी किरण अभिलंब की ओर जो कि एन एन डैश है अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अभिलंब की ओर ये आपकी हल्की सी स्लाइटली झुक गई, जब झुकी अब ये वाले प्रकाश की किरण क्या होगी, बाहर आपके फिर एयर की तरफ जाएगी, यानी कि अब ये बी सी जो किरण हो गई वो आपतित किरण हो गई और सी डी किरण जो हो गई वो निर्गत किरण हो गई। जब हमारा कोई किरण क्या है, किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो सी पॉइंट से जब हमने एम एम डैश अभिलंब बनाया तो ये क्या हुई, आपके अभिलंब से दूर हट गई, जो कि सी डी किरण आपकी कौन सी किरण कहलाएगी, निर्गत किरण। अब यदि हम इस निर्गत किरण सी डी को पीछे की ओर बढ़ाएं, देखिए उसी सीद में निर्गत किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएं और ये प्रकाश की किरण ए बी को हम भी, इसको भी हम सीध में पीछे की ओर बढ़ाएं, तो हम देखते हैं कि दोनों किरणें एक बिंदु ओ पर काटती हैं। तो इस तरीके से जो कोण हमको ई ओ डी प्राप्त हुआ, ये वाला पूरा कोण, ये हमारा कोण कहलाता है विचलन कोण, और इसे हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ये ग्रीक अक्षर का है डेल्टा, ठीक है। इस विचलन कोण का यानी इस डेल्टा का जो मान है वो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा आपतित किरण और उसके आपतन कोण पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से हम प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश की किरण जब हमारी सघन से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यही वाली जो बीसी किरण है वो अब सघन माध्यम से क्या है, विरल माध्यम में हमारी जा रही है तो यही अभिलंब से दूर हट जाएगी, और यही सीधी किरण जो है वो निर्गत किरण है। जब हम निर्गत किरण को पीछे और इस आपतित किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को ओ बिंदु पर बढ़ती है, और इससे बनने वाला जो कोण होता है ई ओ डी, ये आपका विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, जिसे हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हम प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। अब देखते हैं कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। तो अब ये श्वेत प्रकाश मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है या गुजरता है तो वो अपने अवयवी रंगों में अलग अलग विभक्त यानी अलग अलग बट जाता है, इस घटना को ही हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कहने का मतलब है सूर्य का जो श्वेत प्रकाश यानी सफेद रंग का प्रकाश है वो सात रंगों में बट जाता है, और ये सात रंग हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं जिसे हम लोग विव ग्योर से दिखाते हैं। यहाँ पर हमने आपको एक फिगर में पूरा दिखा दिया है, ये आपकी श्वेत प्रकाश है जो कि क्या है, आपकी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, और सघन माध्यम से जब ये विरल माध्यम में निर्गत किरण के रूप में बन जाती हैं तो अभिलंब से थोड़ा दूर दूर हटने लगती हैं। एक श्वेत प्रकाश चला और क्या हुआ, कितने भागों में बट गया, सात रंगों में। तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की जो घटना होती है वही वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बटा, सात रंगों में, जिसे हम लोग विवग्योर, और जब हम लोग विवग्योर स्टार्ट करेंगे तो आपका आधार यानी नीचे बी सी से स्टार्ट करेंगे वी, क्योंकि यदि आप याद रखने का माइंड में रखें तो जो वी होता है
आपका सबसे लास्ट में आता है, ए से स्टार्ट करिए तो वी जो वैन होता है, वी वाला वैन सबसे लास्ट ही में आता है, एक्स वाई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो वी, तो ऐसे आप याद रखिएगा, विब गियोर, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिको, वी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। कहने का मतलब है ये बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला और ऑरेंज तथा लाल रंगों में पड़ जाता है, जिसे हम लोगों ने विव गियोर का एक मिश्रण बना लिया। ठीक है, तो इसी घटना हमारी है जो कि हमने इस घटना को चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर रखी है। इसी प्रकाश के अवयवी रंगों के इस समूह को या इस पूरे बैंड को हम लोग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। एक दो छोटी छोटी चीजें और आप लोग समझ लीजिए। लाल रंग का जो आपका विचलन होगा वो सबसे कम होगा। अभी इससे पहले विचलन कोण बताया था, तो विचलन कोण क्या था, निर्गत किरण और प्रकाश की जो आपतित किरण थी उसको पीछे से बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलती है उसी वाले एंगल को विचलन कोण कहते हैं। तो ये विचलन आपका कोण है। तो देखिए सबसे कम किस में होगा, लाल रंग में, सबसे कम किस में होगा, लाल रंग में आपका विचलन, लाल रंग है ये वाला, सबसे ऊपर वाला लाल है और सबसे नीचे वाला बैगनी होता है। तो यहाँ से आप एक चीज सीख देख सकते हैं कि जो लाल रंग के प्रकाश में विचलन सबसे कम और सबसे ज्यादा विचलन, ये देखिए अलग अलग एरो से हमने प्रदर्शित भी करा है, और सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो बैगनी रंग के प्रकाश में होता है। इसी से आप दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है, पूछ लिया जाए बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा होती है लाल रंग से या कम। तो आप देखेंगे बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। निर्वात में यदि इसकी चाल पूछी जाए तो कितनी होगी, आप कहेंगे निर्वात में इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसी हमने स्पेक्ट्रम के द्वारा यहाँ पर हमने क्या दो तीन चीजें और सीख ली कि प्रकाश में लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। जिसका विचलन सबसे कम होगा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे आपकी क्या होगी, अधिक होगी, और जिसका विचलन सबसे ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। जैसा कि हमारा प्रिज्म एक पारदर्शी होता है यानी कि कांच है, और कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा प्रकाश के रंगों पर निर्भर करता है। लाल रंग के प्रकाश के लिए यदि हम कांच का अपवर्तनांक पूछें तो आप कहेंगे लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम और बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, क्योंकि सब विव क्योर के अकॉर्डिंग नीचे वाला जो हमारी जो प्रकाश की किरण होगी वो बैगनी रंग की होगी, आई मतलब इंडिको, बी फॉर ब्लू नीला, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड लाल। विचलन आपका सबसे ज़्यादा किस में होगा, बैगनी रंग में। जिसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य उसकी कम होगी, विचलन ज़्यादा होगा तो उसी रंग का अपवर्तनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा इसलिए अपवर्तनांक भी इसका कम होगा, लेकिन अपवर्तनांक विचलन कम है तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने प्रिज्म के बारे में देखा, प्रिज्म के बाद प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन समझा, और प्रिज्म के अपवर्तन के पश्चात हमने प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण देखा। ठीक है, तो बच्चों मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा, तो इसी उम्मीद के बाद हम उसी उम्मीद के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे अच्छे पढ़ाई करिएगा। तो ओके बच्चे, टाटा, बाय बाय।